एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक सपोर्ट में। आज हम फिर से आपके लिए कुछ नया और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जिसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। आज का हमारा विषय है रोम, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा और आप में से बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी होगा कि इसका इस्तेमाल कहां और क्यों होता है। लेकिन जिन्हें इसके बारे में पता नहीं है उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाई गई है और जिन्हें पता है उन्हें भी ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए क्योंकि इससे आपका ज्ञान और भी बढ़ जाएगा। जैसे भगवान ने हमारा मस्तिष्क बनाया है ताकि हम चीजें, लम्हे, यादें और बातों को अपने दिमाग में स्टोर कर सके और जरूरत पड़ने पर हमें वो सब याद रह सके, ठीक उसी तरह कंप्यूटर के वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर तो बनाया ही, साथ ही इसमें डेटा स्टोर करने के लिए एक चिप भी बनाई जिसे मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम, डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी की जरूरत होती है ताकि हम जब भी कंप्यूटर से एक ही डेटा की मांग हर बार करें तो वो अपने मेमोरी में स्टोर उस डेटा को निकाल कर हमें दिखा सके। वैसे तो कंप्यूटर में मेमोरी बहुत से प्रकार की होती है, लेकिन आज हम रोम के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि आखिर ये रोम होता क्या है और इसका कार्य क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि रोम क्या है। रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, जो केवल डेटा को रीड करने के लिए होती है। ये एक चिप के रूप में कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगाई जाती है जो डेटा को स्थायी रूप से यानी परमानेंटली स्टोर करती है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम की पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो रोम अपने चिप में स्टोर हुए डेटा को नहीं खोती। रोम वो मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक प्रोग्राम और सेटिंग होती है जो कंप्यूटर को बूट करने में मदद करती है। बूटिंग कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इस मेमोरी में स्टोर किए गए प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते, उन्हें केवल रीड किया जा सकता है, इसीलिए ये मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। रोम में स्टोर प्रोग्राम्स को बायोस, जिसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। रोम का प्रयोग कंप्यूटर में फर्मवेयर सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में उस समय इंस्टॉल किया जाता है जिस समय इसके हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, वीडियो कार्ड्स इत्यादि फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, इसीलिए इस सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। और यही फर्मवेयर सॉफ्टवेयर रोम में इंस्टॉल किया जाता है जिसमें डिवाइस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करने के इंस्ट्रक्शंस मौजूद रहते हैं। रोम का उपयोग कंप्यूटर के साथ साथ अन्य बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे वॉशिंग मशीन्स, डिजिटल वॉच, टीवी, वीडियो गेम्स, रोबोट्स आदि में भी किया जाता है। रोम के अलावा कंप्यूटर में रैम और सेकेंडरी मेमोरी का भी उपयोग किया जाता है। रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, ये कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी होती है क्योंकि कंप्यूटर को बंद करने पर इसमें स्टोर डेटा नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम और रोम, ये दोनों मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किए गए डेटा भी परमानेंट होकर रहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी मेन मेमोरी की तुलना में बहुत अधिक होती है। हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, डीवीसी, पेन ड्राइव, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसका इस्तेमाल आजकल हर कोई करता है एक्स्ट्रा डेटा स्टोर करने के लिए। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि रोम कैसे काम करता है। रोम एक चिप के आकार की होती है जो कि मदरबोर्ड और सीपीयू से जुड़ी हुई रहती है। रोम का कार्य एक स्टोरेज के रूप में किया जाता है जिसके अंदर हम कुछ भी डेटा सेव कर सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो और वीडियो फाइल्स। रोम एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है जिसमें से हम कभी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। रोम हमारे कंप्यूटर या मोबाइल की बूटिंग प्रोसेस और सिस्टम को स्टार्ट करने में हमारी मदद करता है। ये हमारे कंप्यूटर और मोबाइल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना हम डेटा स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। जब हम यह कंप्यूटर या मोबाइल ऑन करते हैं तब किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को चलाने के लिए सिस्टम रोम से एप्लीकेशन का डेटा एक्सेस करता है और फिर रैम की मदद से एप्लीकेशन काम करना शुरू करता है। फिर जब हम एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं तब उसका डेटा वापस से रोम में चला जाता है और रैम से डेटा खाली हो जाता है। हम जितने भी इमेजेस, वीडियोस और एप्लीकेशंस डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं वो सभी रोम में सेव होकर रहते हैं। आइए जानते हैं कि रोम कितने प्रकार की होती है। रोम को उसके स्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चर और डेटा मिटाने के अनुसार तीन हिस्सों में बांटा गया है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। आइए इन तीनों के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले है पी रोम। पी रोम को प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ये एक मेमोरी चिप होती है जिसे ओटीपी यानी कि वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डेटा को केवल एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है, उसके बाद इसमें डेटा को इरेज नहीं किया जा सकता। यूजर मार्केट से ब्लैंक यानी खाली पी रोम खरीदता है और उसके बाद उसमें जो इंस्ट्रक्शन डालना चाहता है वो डाल सकता है।
इस मेमोरी में छोटे छोटे फ्यूज होते हैं जिनके अंदर प्रोग्रामिंग के जरिए इंस्ट्रक्शन डाला जाता है जिसे दोबारा अपडेट नहीं किया जा सकता। पीरोम में स्थायी रूप से डेटा को राइट करने के लिए प्रोग्रामिंग को बर्निंग कहा जाता है और इसके लिए एक विशेष मशीन की आवश्यकता होती है जिसे पीरोम बर्नर कहा जाता है। पीरोम का उपयोग डिजिटल डिवाइसेस में डेटा को हमेशा सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। दूसरा है ईपीरोम। ईपीरोम को इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इस चिप पर स्टोर की हुई इन्फॉर्मेशन को अल्ट्रा वायलेट रेज द्वारा 40 मिनट के लिए लाइट पास किया जाता है, तब जाकर इसकी मेमोरी को मिटाया जा सकता है। इस रोम की खास बात यह है कि इसे हम आसानी से इरेज भी कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ईपी रोम को रीप्रोग्राम्ड भी किया जा सकता है, मतलब जिसमें डेटा को इरेज करने के बाद फिर से प्रोग्राम डाले जा सकते हैं। ईपी रोम सस्ती और भरोसेमंद होती है। ईपी रोम में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि इसमें डेटा को इरेज करने के लिए बिजली की खपत ज्यादा होती है। इसमें डेटा को मिटाने या दोबारा प्रोग्राम शुरू करने के लिए इसे कंप्यूटर से निकालना पड़ता है। जब हम अल्ट्रा वायलेट रेज की मदद से डेटा को डिलीट करते हैं तो इसमें चिप का पूरा डेटा डिलीट हो जाता है। तीसरा है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी / EEPROM। EEPROM को इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ये एक अनचेंजिंग मेमोरी यानी अपरिवर्तनशील मेमोरी है, क्योंकि इसमें भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। फ्लैश मेमोरी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी बिजली की मदद से इसके स्थायी डेटा को हटाया जा सकता है। इस प्रकार की मेमोरी का उपयोग डिजिटल कैमरा और MP3 प्लेयर में होता है। EEPROM को हाइब्रिड मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये रैम के समान डेटा को रीड और राइट करता है लेकिन रोम के समान डेटा को स्टोर करके रखता है। ये रैम और रोम दोनों का एक मिश्रण है। EEPROM की तरह इस रोम को डेटा को मिटाने के लिए कंप्यूटर से बाहर निकालना पड़ता है और साथ ही इसमें हम चुने हुए डेटा को भी डिलीट कर सकते हैं, जो कि हम EEPROM में नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहां पर पूरा चिप का डेटा डिलीट हो जाता है। EEPROM में प्रोग्राम करना आसान है और इसमें अनगिनत बार रिप्रोग्राम किया जा सकता है। और अब हम जानते हैं रोम के फायदे के बारे में। रोम का पहला फायदा है सिस्टम सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दूसरा, रोम रैम से बहुत सस्ता होता है और इसके मुकाबले काफी ज्यादा साइज में भी उपलब्ध रहता है। तीसरा है, रोम का डेटा अपने आप नहीं बदलता, इसमें सिर्फ डेटा को रीड किया जा सकता है। अगर हम चाहें तो इसमें कोई नया डेटा जोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसमें डेवलपर्स या प्रोग्रामर द्वारा एक ही बार डेटा को राइट किया जाता है। नंबर चार, रोम नॉन वोलेटाइल प्रकृति का है, जो कि प्रोग्राम को स्थायी बनाए रखता है, जिससे कि कंप्यूटर के बंद होने से भी हमारा डेटा सुरक्षित और एक लंबे समय तक बना रहता है। नंबर पांच, रोम कंप्यूटर के दूसरे मेमोरी रैम से अधिक भरोसेमंद है, क्योंकि रैम में डेटा तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर में पावर सप्लाई रहती है। छठा है, रोम में बहुत ही सोच समझ कर प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस डाले जाते हैं, क्योंकि इसे हम बार बार नहीं बदल सकते। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रोम क्या है, ये कैसे काम करता है और ये कितने प्रकार का होता है, इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल गई होंगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारे वीडियोस के जरिए आपको दिए गए विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो दोस्तों, तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सके। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।